वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे विल बी द लास्ट डे जब आप रजनी को व्लॉग में नहीं देखेंगे। एंड आई नो यू आर गेटिंग कंफ्यूज बिकॉज आपने कल ही तो रजनी को देखा था व्लॉग में। सो व्हाट हैज हैपेंड इज, एक छोटी सी हिंदू मान्यता है कि अगर आप अपने घर से कई दिनों से बाहर हैं सो यू डोंट रिटर्न ऑन अ सैटरडे, ऐसी हम लोग मानते हैं। तो रजनी को मुझे कल पार्टी के बाद वापस साउथ एक्स छोड़ना पड़ा। एनीवे कल की पार्टी इतनी रात तक चली दैट बाय द टाइम आई कुड स्टार्ट एडिटिंग माई व्लॉग इट वॉज ऑलरेडी 2 AM। एंड मैंने सुबह के 4:30 बजे तक उस भरी नींद में ही मैंने एडिट किया। देन आई पुट अप एन अलार्म एट 9 AM कि मैं उठूंगा फटाफट, और उठ के आई हैड टू सी कि मैंने रात में क्या किया है, बिकॉज आई हैड नो कॉन्फिडेंस एट ऑल कि मैंने कुछ भी ढंग का काम किया होगा। एंड लिटरली देर वर सो मेनी मिस्टेक्स इन द व्लॉग, तो मैंने उसको फटाफट फटाफट ठीक किया, और ठीक करके मैंने 10 बजे व्लॉग को आउट किया जैसा मैं हमेशा करता हूँ। सो आज का जो हमारा दिन है वो इतना एपिक है, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे। इट इज सो एपिक कि आप भी सोचेंगे कि ये बंदा निरंतर हर दिन इतने एपिक काम कैसे करता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू हैव माय ब्रेकफास्ट, एंड वंस आई हैव डन माय ब्रेकफास्ट मैं जाने वाला हूं अपने बिस्तर में और मैं सोने वाला हूं। ओके, क्योंकि 5 से 7 मेरी क्लास है और 7 से 8:30 मुझे जाना है जिम, एंड देन 9 बजे मुझे वेबकास्ट करना है सफरनामा का एक नया एपिसोड। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कुछ दिन पहले याद हो तो मैंने ये बोला था मॉम इज इंटरव्यूइंग वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, एंड जिस दिन उनका इंटरव्यू होगा मैं आपको उसी दिन बताऊंगा कि कौन थे वो। सो द डे हैज कम and it's none other than the actor Rakesh Bedi, जो कि currently भाभी जी घर पे हैं के डैडू हैं, but he has done such amazing work throughout his illustrious career, क्योंकि बातें सुनके आपको मजा आ जाएगा। So go to Birju Maharaj Parampara's official Facebook page to watch this interview। चलिए आज का super epic day चालू करते हैं। Much, much, much later. तो क्लास हो गई है हमारी खत्म, एंड इट्स नाउ टाइम टू हिट द जिम। 7:45 बज चुके हैं, एंड आई हैव टू गेट रेडी फटाफट ताकि हम लोग 8:30 तक वापस आ सकें, एंड 9 बजे से है सफरनामा का वेबकास्ट। चलिए लेट्स गो। Eventually. जिम से वापस जस्ट इन टाइम फॉर सफरनामा, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं वेबकास्ट स्टार्ट होने में। सो आई एम गोइंग टू डू ऑल द सेटअप। इन द मीन टाइम मामा इज मेकिंग अ बनाना शेक विच इज हाई इन प्रोटीन, एंड ऑल्सो ही इज मेकिंग अ रोटी फ्रॉम जवार विच इज अगेन वेरी स्ट्रेंथनिंग। सो इट्स अ फुल प्रोटीन मील फॉर मी। वो पनीर भुर्जी के साथ खाएंगे, सो पनीर इज अगेन प्रोटीन। सो इट्स गोइंग टू स्ट्रेंथन ऑल द मसल्स जिसको हम लोग अभी इतना स्ट्रेस आउट करके आए हैं। सो पहले सफरनामा and then a good meal. 1 hour later. There is something that I always want to share with all the people who watch my vlogs. मेरे पापा और मेरे दादा से मुझे हमेशा यही सीख मिली कि एक आर्टिस्ट को बहुमुखी होना चाहिए, एंड बाय बहुमुखी आई मीन दैट देयर आर सो मेनी अदर आर्ट्स जिसमें आपको पारंगत होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हर कला उतनी ही गहरी है जितनी नृत्य कला है, पर हर कलाकार को अपनी कला का विस्तार करना चाहिए। मेरे घर पर नृत्य कला के साथ साथ साहित्य को भी बहुत महत्व दिया, इसलिए मेरे घर के पूर्वज पंडित बिंदादीन महाराज जी ने 5000 से ऊपर रचनाएं की। मेरे दादा ने भी 800 से 1000 बंदिशों की रचना की। मेरे पिताजी ने भी 300 से 400 रचनाओं को लिख दिया है, और आज मैं आपके साथ अपनी खुद की लिखी हुई एक रचना को साझा करना चाहता हूँ। ये रचना एक कवित्व रूपी रचना है जिसको मैंने भगवान शिव पर आधारित किया है। जैसे पंचाक्षर में न म शिवाय करके 5 श्लोकों का शुरुआत होता है, न कराए म कराए शि कराए व कराए य कराए, वैसे ही मैंने ओ म न म शिवाय से हर वाक्य का स्टार्ट किया है। तो रचना कुछ ऐसी है ओ से ओमकाराय जिनका भस्म अंग स्वरूप है म से मेघ जटाए जिनकी शीश गंगा धार है न से नागा नाथ जिनका डिमक डमरू नाद है म से मृत्युंजय जिनके कर त्रिशूल का वास है। कर हम लोग हाथ को बोलते हैं अवधी भाषा में, तो कर त्रिशूल का वास है। जैसे हर पोएट अपना एक पेन नेम लिखता है, जैसे मेरे दादा जो हैं वो ब्रजश्याम लिखते हैं, बिंदादीन महाराज जी बिंदा लिखते थे,
और मेरे पिताजी जो हैं वो दास लिखते हैं, उसी तरीके से मैंने अपने नाम को बहुत सिंप्लीफाइड मैं त्रिभुवन ही लिखता हूँ। तो मैं आपको यहाँ बताऊँ कि ये क्योंकि मेरी पहली रचना थी जो मैंने की थी, तो मैंने अपने पिताजी के पेन नेम को इसमें सम्मिलित किया था। तो मैंने लिखा कि है शी से शिव ब्रह्मा नारायण जिनके त्रिभुवन दास है वह से वीर उमापति जिनके विनायक पूत है यस यक्ष स्वरूप जिनमें समाये ब्रह्मांड है, समाये ब्रह्मांड है, समाये ब्रह्मांड है। तो ये रचना वो पहली रचना थी जो मैंने अपनी कलम से खुद लिखी। तो आज होने वाला है फैमिली दमशराज कंपटीशन, पापा एंड मम्मी वर्सेस मी, पापा एंड मम्मी वर्सेस मी एंड मामा। पापा से हवा निकलती है, दोनों खुश हैं। यार इससे अच्छा मैं क्या करूं। So hope you like this vlog, and if you did, do subscribe to my channel and hit the bell icon. And as always, stay safe, stay positive, and I'll see you in the next one. Here goes off the light.